दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब। तो आप ज़रूर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन से। दोस्तों चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये इंटरव्यू राउंड होने वाला है, इंटरव्यू क्वेश्चन, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है, ठीक है। हमारा यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देना है, क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। यह एक ऐसा इंजीनियरिंग का शाखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विच डील्स विद द डिजाइनिंग, जिसमें कि हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, मेंटेनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ मेंटेन करते हैं, अगर गड़बड़ होता है तो, ख़राब होता है तो, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, इन वेरियस मैकेनिकल सिस्टम, बहुत अलग अलग तरह के मैकेनिकल सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग इन वेरियस मैकेनिकल सिस्टम। तो आपने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं कोई भी चीज़, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं और मैनुफैक्चरिंग करते हैं, वो भी वेरियस मैकेनिकल सिस्टम में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अगर 2 से 3 बार हैंड रिटन लिख लेते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड इंजन। हम लोग को मशीन और इंजन बहुत ज़्यादा पढ़ाया होता है, तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि अंतर क्या है मशीन में और इंजन में। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है हमेशा। तो देखिए, मशीन को सबसे पहले जानते हैं। मशीन क्या होता है, कोई भी चीज़ का जो मशीन होगा आपका, मशीन कन्वर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एक्सेप्ट हीट एनर्जी। अब देखिए क्या बोल रहा है, मशीन जो है वो कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है, क्या करता है मशीन जो है आपको, कन्वर्ट करता है ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सभी फॉर्म एनर्जी के टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है मशीन सभी चीज़ को, ठीक है। एक्सेप्ट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं कन्वर्ट करता है, समझे। मशीन कन्वर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में मशीन, ठीक है। एक्सेप्ट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को छोड़ करके। बाकी आप इंजन का अगर बात करें तो इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, इंजन जो है सिर्फ बदलता है हीट एनर्जी में टू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। इसको फिर से समझते देखिए, मशीन कन्वर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मशीन जो है मैकेनिकल एनर्जी में अपना सारा फॉर्म को बदल देता है, ठीक है। जो भी उसमें प्रोडक्ट दीजिएगा तो मैकेनिकल से, मशीन से मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू वो निकल जाएगा। एक्सेप्ट हीट एनर्जी, मशीन में क्या होता है कि हीट एनर्जी नहीं कन्वर्ट होता है, बट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन इंजन का क्या काम होता है, वो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। तो आपको ये दो इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।